भाजपा आलाकमान द्वारा हमीरपुर और सुजानपुर विधानसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशियों की अदला बदली से नतीजों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और भाजपा दोनों ही सीटों पर विजय हासिल कर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ये दावा किया है हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान में सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने। चैनल के साथ बातचीत के दौरान नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला में केंद्र सरकार की 3.5 सालों में करवाए गए कार्यों पर जनता से वोट मांग रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं जल्द शुरू करवाने के अलावा हमीरपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए बस अड्डे का निर्माण करवाना है। वहीं सीएम के चेहरे पर ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सीधा संकेत है कि वे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज हम हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां हमीरपुर में एक महत्वपूर्ण सीट हमीरपुर सदर की है, जहां पर पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान ने उन्हें सुजानपुर भेजा है और उनकी जगह पर सुजानपुर के जो वर्तमान विधायक हैं नरेंद्र ठाकुर, उन्हें हमीरपुर भेजा है। नरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले एक जो लोगों के बीच में यही प्रश्न आ रहा है कि आखिर आपका जो सीट है उसको क्यों चेंज किया गया? ऐसा है, यहाँ से जैसे आपने भी कहा, माने धूमल जी यहाँ के विधायक थे और मैं सुजानपुर का था। हाई कमांड की कॉल पे मुझे हमीरपुर भेजा गया और धूमल जी को सुजानपुर भेजा गया। हाई कमांड का फैसला है, दोनों सीटें सुरक्षित हैं, दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई कमांड की क्या सोच है इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कहीं ना कहीं ठाकुर साहब, ये जो प्रश्न है ये हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी, ये प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण भी होगा कि आखिर क्यों ऐसा है, इसके बारे में हमें भी पता नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, हाई कमांड का आदेश हमें मिला और वो आदेश हमने फॉलो करना था, मैंने भी फॉलो किया और धूमल जी ने भी फॉलो किया। कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में आप डटे हुए हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लोगों से जो शिकायतें हैं या समस्याएं हैं क्या मिल रही हैं? ऐसा है, ये तो कंस्टिट्यूएंसी हमारे दो बार रहे मुख्यमंत्री धूमल जी की है, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत बढ़िया ढंग से इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं भारी संख्या में लोग, एक बूथ मीटिंग में भी लगभग 100-150, 150-200 के करीब लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लोग बदलाव चाह रहे हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोगों को कोई गिला नहीं है हमीरपुर जिले के। कहीं ना कहीं इन चुनावों में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही आ रहा है कि अभी तक बीजेपी ने जो है वो सीएम कैंडिडेट नहीं दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है, ये भी हाईकमांड की अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहूंगा, धूमल जी विपक्ष के नेता थे, हैं, दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सुजानपुर से वो असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि धूमल जी बतौर एमएलए तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, धूमल जी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र में एक जो लोगों में चर्चा भी आ रही है कि आप बाहरी कैंडिडेट हैं, पिछली बार वैसे भी आपने इसी कैंडिडेट यहीं से धूमल साहब के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, तो क्या उसका कटाक्ष कहां से निकल रहा है? ऐसा है, हमारी दो पीढ़ी हमीरपुर में ही अपना बतौर प्रैक्टिस काम करती है, हमारे अपना मकान है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा यही वोट है, यहाँ से मैंने पहले कई इलेक्शन लड़े हैं। हमीरपुर तो हमारा पुश्तैनी कंस्टिट्यूएंसी रही है और डिलिमिटेशन में आने के बाद भी अधिकतर हिस्सा जो हमारा हमीरपुर में ही है, हमारे घर भी हमीरपुर में है, पुश्तैनी जगह जो एक पोर्शन जो सुजानपुर में पड़ता है, और हम हमीरपुर के परमानेंट बसिंदे हैं, यहाँ दो पीढ़ी हमारे साथ हो गई है, इसलिए ये कहना कि मैं बाहरी कैंडिडेट है लोगों की अपनी सोच है, इसमें तो मैंने आपको बड़ा क्लियर कर दिया है कि कई सालों से लगभग 70 सालों से हम हमीरपुर में रह रहे हैं। हमीरपुर के विकास के लिए कोई नई चीज जो आप लेकर आना चाहेंगे जो लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? मेरा सबसे पहला काम है जो हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज मिला है उसके लिए प्रॉपर एडुकेट जगह का इंतजाम किया जाएगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी
हमीरपुर कॉलेज की क्लासेस जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए। नंबर दो, हमीरपुर बहुत ही एक कंजेस्टेड सिटी बन चुका है, शहर बन चुका है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। जो धूमल जी ने बस स्टैंड का शिलान्यास रखा था, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए ताकि शहर में जो इस वक्त कंजेशन है उससे छुटकारा मिले। ठाकुर साहब, एक पिछली बार भी एक मुद्दा जो था वो काफ़ी ज़्यादा उछला था, वो है नगर निगम का, क्या इसकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा कि हमीरपुर को नगर निगम की ओर शिफ्ट किया जाए? ऐसा है, ये प्रदेश सरकार बक-बक पर जो इनका फैसला लेती है और हमीरपुर डिजर्व करता है कि हमीरपुर भी नगर निगम में बने। जब भी प्रदेश सरकार का कोई ऐसा मसला उठेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मशाला और शिमला है, हमीरपुर भी वैसे ही बने। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। सीधा सीधा मानना है कि हमीरपुर में जो कंस्ट्रक्शन है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको बेहतर करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी।